निलंबन की सूचना तो मुझे आपके माध्यम से मिली है, अभी ऑफिस जाऊंगा तो मुझे लेटर मिलेगा जो भी है। मामला मुझे ये लग रहा है कि कुछ पेमेंट का मैटर था जो मैंने करने से मना कर दिया। कोई सो कॉल्ड नेता थे, अब नेता थे भी या नहीं थे, जनप्रतिनिधि थे या नहीं थे, अब ये भी नहीं पता मुझे, उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया। उनका दबाव था कि आप एक्स्ट्रा कर दीजिए, मैंने बोल दिया उनसे कि जो भी नोट शीट मेरे पास आएगी या फिर नश्ती आएगी तो उसके हिसाब से मैं काम कर पाऊंगा। वही मैटर के द्वारा ये काम हुआ है और जो भी डिटेल होगी वो मैं अपना रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर सर को दूंगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये जो स्पीकिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में लिखना मेरे हिसाब से चाहिए था कि किस पर्सन के साथ, अगर जनता भी है, जनता में कोई एक व्यक्ति का नाम बता देते और जो नेता है, नेता भी जनप्रतिनिधि है वो बता देते तो मैं उसके बारे में बेहतर तरीके से कह पाता। वैसे मेरा व्यवहार अपने कर्मचारियों और किसी भी आम नागरिक से खराब नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है और सबको मैंने प्रॉपर अटेंड किया है और जब तक उनकी समस्या नहीं सुलझती है तब तक मैंने उनको सपोर्ट किया है। हाँ, नश्तियाँ मेरे पास नहीं आ रही थी, एक्चुअली में क्या है चैनल निर्धारित किया गया है शायद मेरे महिला बाल विकास में, और शासन की भी नीति ये रहती है कि जो भी भुगतान हो वो ऑथेंटिक हों, जो भी नश्तियाँ हों या शासन के जो भी काम हो उसमें पारदर्शिता रहे और वो कोई भी काम ऐसा ना हो जो कि शासन से कभी कभी बिना कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि अनजाने में कि आपके माध्यम से कुछ नियम का उल्लंघन हो जाता है, तो शासन चाहता है कि उसको डबल चेक किया जाए। डबल चेक के लिए एक चैनल बनाया गया है जिसमें मैं हूँ, मेरा जो सबॉर्डिनेट है उसके बाद मैं हूँ, मेरे बाद मेरे डीपीओ सर हैं, तो मेरे माध्यम से नस्तियाँ नहीं जा रही थी। उसके संबंध में मैंने डीपीओ सर को एक पत्र लिखा था और वो पत्र लिखने के बाद भी बाद मेरे पास जो नस्तियाँ आनी थी उनको आने से पहले ये इंसिडेंट हो गया। संबंधित ने बोला कि आप ऐसा कर दीजिए, हालांकि नस्ती मेरे पास आती तो जो गलत था सही था वो मैं कर देता, लेकिन ना आने से पहले ही वो लोग आए कि आपको ऐसा करना होगा। मैंने मना कर दिया और यही पूरा मुद्दा है, डिटेल मैं आपको दे पाऊंगा। एविडेंस मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट एविडेंस होता है वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो कि कलेक्ट्रेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। कलेक्ट्रेट में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मेरे डीपीओ सर के कैबिन में भी कैमरा है और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्लियर तो पता नहीं है, कलेक्टर सर के चैम्बर में भी कैमरे हैं और गैलरी में तो कैमरे लगे ही हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर कोई भी अधिकारी, मेरा वरिष्ठ अधिकारी, जो उच्च अधिकारियों से मैंने जो अवैध व्यवहार किया है उन्हीं उच्च अधिकारियों को मैं टारगेट करके बोलना चाहूँगा कि वो रिकॉर्डिंग अगर आप एक सामने रख लें दोनों को, अगर उस रिकॉर्डिंग से मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो मुझे ये सभी आरोप मंजूर हैं। शासन तो नहीं लेकिन ये उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे रिवार्ड दिया गया है मेरे अच्छे काम का, तो रिवार्ड है मेरे लिए क्योंकि मुझे एक समय दे दिया गया, आराम से आप बैठिए, आप आराम कीजिए थोड़ा, ठीक है काम तो मुझे करना था लेकिन शासन कह रहा है आराम कीजिए। शासन नहीं, शासन का तो हमेशा यही रहता है कि आप ईमानदारी से और सबको प्रमोट कीजिए, लेकिन कुछ लोगों का, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का अगर ऐसा मानना है ठीक है, हम आराम करेंगे, आराम से रहेंगे और जब शासन बुलाएगा तब काम के लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे। उनका ये आरोप संभवतः आवेश में लगाया गया है, नस्तियों का आदान प्रदान निरंतर होता है, जहाँ से जो भी डाक आती है उनके द्वारा मार्च भी किया गया है, कई नस्तियाँ हैं जो मैं इसके बारे में अवगत करा सकता हूँ जो उनके द्वारा मार की गई है, तो संभवतः मुझे ये आरोप मिला जा सकता है। कुछ परिस्थितियाँ मैंने सुनी थी जिसमें वो आवेश में थे, उन्होंने कुछ पत्र व्यवहार किया था कि मुझे प्रॉपर वे के अंदर नस्तियाँ नहीं आ रही, उसी संबंध में मेरे द्वारा कानूनी नीतियों को भी अवगत कराया गया था, परंतु कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि यदि कोई अधिकारी नहीं हो तो हम उनके बगैर भी हमें नस्तियाँ करके जवाब भेजने पड़ते हैं, विधानसभा या अन्य प्रकार की नस्तियाँ होती हैं उनके लिए समय सीमा में कार्रवाई की जानी होती है, तो उसमें किसी अधिकारी विशेष का इंतजार नहीं करते हुए क्योंकि मैं उसके लिए सक्षम अधिकारी मुझे मार्ग करके भेजनी पड़ती है, तो ऐसा कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है और नस्तियों का आदान प्रदान निरंतर रहा है, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। पत्रों का व्यवहार भी कानूनी प्रक्रियाओं का तहत ही होता है, तो कानूनी पत्र व्यवहार के अंदर कोई अनपेक्षित नहीं है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।